पहाड़ी प्रदेश हिमाचल में 15 नवंबर के बाद बारिश देखने को नहीं मिली है। हालांकि कबायली क्षेत्र में हल्की बर्फबारी जरूर हुई है, लेकिन बारिश न होने की वजह से प्रदेश के 11 जिले सूखे की चपेट में आए हैं। आज सुबह से ही आसमान पर बादल छाए हैं। यह बादल उम्मीद के बादल हैं, क्योंकि किसानों बागवानों के साथ नए साल के जश्न के लिए आने वाले पर्यटकों को भी इन बादलों से उम्मीद बंधी है। मौसम विभाग के मुताबिक 29 व 30 दिसंबर को हिमाचल में पश्चिमी विक्षोभ होने से आज व कल मौसम खराब रहेगा, जिसके चलते ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी व निचले क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। हालांकि मौसम में आए बदलाव के चलते तापमानों में हल्की वृद्धि दर्ज की जा रही है। कई क्षेत्रों में धुंध छाई हुई है व प्रचंड शीतलहर जारी है। मौसम केंद्र शिमला के मौसम विज्ञानी संदीप कुमार शर्मा से सुनिए मौसम का हाल। देखिए, अगर प्रदेश की बात करें तो पिछले 24 घंटों में मेनली ड्राई वेदर रहा है, और जैसे कि एक WDIV प्रदेश में इफेक्टिव है, और इसके चलते जो पिछले 24 घंटे में जो न्यूनतम तापमान है, जो अर्ली मॉर्निंग टेम्परेचर है, उसमें पूरे प्रदेश में एवरेज 2 से 4 डिग्री राइज हुआ है, और जो टेम्परेचर हैं अभी सामान्य से अधिक चल रहे हैं आपके डे टेम्परेचर भी पिछले 24 घंटे के। और आगामी अगर जो 5 दिनों के फोकस की बात करें, देखिए आज 29 और कल 30 तारीख को देखिए जो WDA, इसके चलते जो हमारे हाई रिस्क के डिस्ट्रिक्ट हैं, चंबा है, लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर और आपका शिमला, इसके जो हाई रिचेज में लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल होने की संभावना है, और साथ ही साथ जो हमारे मिड हिल्स के डिस्ट्रिक्ट हैं, कांगड़ा है, मंडी है, जो प्लेन के डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां पे लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना है। तापमान की बात करें तो अभी जो न्यूनतम तापमान ऑलरेडी पिछले 24 घंटों में राइज किए हैं, इनमें कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा, परंतु जैसे ये जो एक्टिविटी है ये 30 तारीख तक जारी रहेगी। उसके उपरांत जैसे 31 तारीख से ये जो टेम्परेचर हैं, इनमें 2 से 4 डिग्री गिरावट आने की संभावना है आपके जो न्यूनतम तापमान है। हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज के साथ।